okay <laughs> welcome everyone once again so today we are going to discuss uh, finding of inverse of matrix by second method which is nothing but adjoint method okay so you can see in your in your textbook <clears throat> this is the second method inverse of a square matrix by adjoint method okay

फर्स्ट uh, मेथड में बहुत सारे सीरीज ऑफ ऑपरेशन हमें करने पड़ते थे और ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने रहते थे यहाँ पे अभी हमें डायरेक्ट इनवर्स का आंसर मिल जाता है फॉर्मूला uh, का यूज करके ठीक है <coughs> तो उसके पहले हमें किसी भी मैट्रिक्स का माइनर कोफैक्टर और फिर उस मैट्रिक्स का एड मैट्रिक्स फाइंड करते आना चाहिए मतलब ये तीन चीजें हमें आनी चाहिए सबसे पहला है माइनर दूसरा है कोफैक्टर और तीसरा है एड मैट्रिक्स ये क्या है ये तीन चीजें वो हम अभी पहले डिस्कस करेंगे सबसे पहले पहला डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे माइनर का तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे

हमारे सिलेबस में या तो टू बाई टू मैट्रिक्स रहेगा या थ्री बाय थ्री रहेगा जब आपको टू बाई टू मैट्रिक्स दिया है तो उसका माइनर हमें डायरेक्ट मिल जाता है हर एक एलिमेंट का माइनर हमें फाइंड करना रहता है ऑफकोर्स ये जो माइनर है हम डिटरमिनेंट में फाइंड करते हैं जो कि आपने एलेवेंथ स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है ओके इसीलिए मैंने संडे के टेस्ट में आ, इसके ऊपर माइनर और को के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी डाले हैं क्योंकि आपने एलेवंथ में ये पढ़ा है फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं माइनर का मतलब क्या होता है यही सेम कंसेप्ट हम मैट्रिक्स में भी यूज कर सकते हैं तो मैट्रिक्स में हम क्या कर सकते हैं अगर मेरे पास टू बाई टू मैट्रिक्स है ठीक है तो मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ बाद में डेफिनेशन डेफिनेशन तो वैसे बुक में भी दिया है देखो समझो हमने एक पहला एग्जाम्पल लिया टू बाई टू मैट्रिक्स का तो टू बाई टू मैट्रिक्स में आपको टोटल चार एलिमेंट रहते हैं, दिए रहते हैं दो रो और दो कॉलम तो समझो मैट्रिक्स ए है हमारे पास इसमें एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर ठीक है अभी हमें आ, हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है तो सबसे पहला एलिमेंट है वन ये जो एलिमेंट है कौन कौन से वन टू थ्री फोर इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं जो कि मैट्रिक्स के अंदर है अभी वन का माइनर अगर मुझे फाइंड करना है माइनर ऑफ एलिमेंट वन तो वन का माइनर क्या आएगा वो आएगा एक्चुअली <coughs> स्पीकिंग ये जो मैट्रिक्स है आपको आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू याद है ना सबको वन वन मतलब पहला रो पहला कॉलम वो जो एलिमेंट है वो पहले रो में और पहले कॉलम में है आर वन आर टू सी वन सी टू तो यहाँ आर वन सी वन है इसीलिए ए वन वन आर वन सी टू है इसीलिए ए वन टू ऐसा नाम दिया गया एलिमेंट को और इसी का मतलब है कि वन का माइनर निकालना मतलब ए वन वन का माइनर निकालना तो माइनर ऑफ ए वन वन माइनर ऑफ ए वन वन उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम वन वन से ओके okay? और वो माइनर फाइंड करने के लिए मुझे ए वन वन का अगर माइनर फाइंड करना है तो सिंपल क्या करना है ए वन वन का रो मतलब पहला रो और उसका पहला कॉलम उसको हटा दो डिलीट कर दो तो ए वन वन जिस रो में है आर वन उसको अगर मैंने ऐसे डिलीट कर दिया और ए वन वन जिस कॉलम में है उस कॉलम को अगर मैंने डिलीट कर दिया तो क्या बचा ये ए टू टू बचा समझ में आया ना वो ए वन वन का पहला रो और ए वन वन का पहला कॉलम हमने डिलीट कर दिया रिमूव कर दिया हटा दिया तो बचा क्या ए टू टू यही एलिमेंट माइनर आएगा और ए टू टू इस मैट्रिक्स में क्या है ये वन वन का रो और वन का कॉलम अगर मैंने हटा दिया तो मुझे आंसर मिलेगा फोर तो पहले एलिमेंट का माइनर जो है एम वन वन वो मिला हमें फोर समझ में आया वैसे ही माइनर ऑफ एलिमेंट टू अगला एलिमेंट हम ए टू लेंगे इसका माइनर निकालना मतलब उसका रो और कॉलम रो मतलब उसका हरिजेंटल और कॉलम मतलब वर्टिकल हटा दो वो हटाने के बाद क्या मिलेगा थ्री आंसर और यही इस जनरल मैट्रिक्स में अगर हमने पूछा तो ए वन टू का माइनर रहेगा वो माइनर ऑफ ए वन टू क्योंकि टू जो है वो पहले रो में है और सेकंड कॉलम में है उसको हम डिनोट करेंगे एम वन टू से ठीक है ना और M12 वन टू का माइनर यहाँ पे इस मैट्रिक्स में सेकंड वाले मैट्रिक्स में ए वन टू का रो ये पहला वाला रो हटा दो और दूसरा कॉलम हटा दो तो आंसर मिलेगा ए टू वन और यहाँ पे ए टू वन का वैल्यू क्या है इस मैट्रिक्स में थ्री समझ में आया ना टू एलिमेंट है ना इसका रो और इसका कॉलम हटा दो बस डायरेक्ट आपको माइनर मिल जाएगा तो टू बाई टू मैट्रिक्स में माइनर निकालना बहुत आसान है अभी वन का माइनर आ गया टू का माइनर आ गया अभी थ्री का माइनर अगला एलिमेंट चार एलिमेंट है ना तो चार माइनर आएंगे जितने एलिमेंट उतने माइनर बाद में थ्री लिया एलिमेंट थ्री एलिमेंट थ्री कहाँ पे है यहाँ पे है तो ये ए टू वन कहा जाएगा तो माइनर ऑफ ए टू वन और इसको हम डिनोट कर सकते हैं यम टू वन से और उसका आंसर क्या आएगा इसका पहला कॉलम और दूसरा रो हटा दो तो आंसर मिलेगा ये ए वन टू समझ में आ रहा है ना ए वन टू और यहाँ पे तीन थ्री है थ्री का माइनर निकालना है तो उसका रो उसका कॉलम और उसका दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो हटा दो तो आंसर आएगा ये टू ठीक है और फाइनल जो चौथा एलिमेंट बचा है एलिमेंट फोर आ, मतलब किसका माइनर माइनर ऑफ ए टू टू उसको हम डिनोट करेंगे एम टू टू से और वो क्या आएगा ए टू टू का ये दूसरा कॉलम आएगा और दूसरा रो आएगा उसको हटा दिया तो आंसर ए वन वन मिल जाएगा तो ए वन वन इज द आंसर मतलब यहाँ पे फोर जो है फोर का माइनर निकालते वक्त फोर का सेकंड रो और फोर का सेकंड कॉलम हटा दिया तो आंसर क्या मिलेगा वन और ये वन आंसर आ गया सबको क्लियर है माइनर निकालना अभी ये नोटेशन याद रखो यम वन वन एम वन टू यम टू वन एम टू टू और माइनर निकालते वक्त अगर हमने वन वन लिया तो इसका मतलब पहला रो और पहला कॉलम हटाओ और जो बचा कुचा है वो हमारा आएगा माइनर ठीक है जब हम यम वन टू बोलते हैं तो यम वन टू मतलब ये वाला एलिमेंट तो पहला रो और दूसरा कॉलम हटाओ यहां देख के ही पता चल जाता है कि मुझे हटाना क्या है पहला रो और दूसरा कॉलम यम वन टू पहला रो और दूसरा कॉलम हटा दो तो आंसर मिलेगा ए टू वन यहाँ पे जैसे आपको पता है पहला रो और दूसरा कॉलम हटा दिया तो ए टू वन आंसर मिल रहा है ए टू वन का वैल्यू यहाँ पे है थ्री समझ में आया सबको ए टू बाई टू के लिए माइनर निकालना बहुत आसान है यही उन्होंने जनरलाइज कर दिया बुक में डेफिनेशन में अगर आपके पास एलिमेंट ए आई जे है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसका माइनर निकालते वक्त यम आई जे ऐसे आएगा तो यम आई जे निकालते वक्त आपको क्या डिलीट करना पड़ेगा आयत रो एंड जेथ कॉलम ये डिलीट करो डिलीट करो मतलब हटा दो रिमूव करो तो हटाने के बाद जो कुछ बचता है वो है हमारा माइनर ठीक है तो वैसे ये इन्होंने यहाँ पे बताया ये हमने टू बाई टू में देखा ऐसे हम माइनर थ्री बाई थ्री में निकाल सकते हैं तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स अभी थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स में थोड़ा सा अलग आएगा देखो क्या होगा फिर से मैं ले रहा हूँ मैट्रिक्स ए और यहाँ पे हम एलिमेंट्स लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये मैट्रिक्स ए है अभी मुझे हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इस मैट्रिक्स को आप सिंबल से ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं आपको सबको ये पता है ए वन वन पहला एलिमेंट ए वन टू ए वन थ्री पहले रो वाले सारे एलिमेंट एलेवन ट्वेल्व थर्टीन ऐसे आते हैं बाद में दूसरे रो वाले ट्वेंटी वन ए टू टू ए टू थ्री तीसरे रो वाले ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ठीक है ऐसे हमने डिनोट कर दिया अभी हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है मैं डायरेक्टली ले रहा हूं अभी माइनर ऑफ ए वन वन ए वन वन मतलब इस एलिमेंट का माइनर तो इस एलिमेंट का पहले हमें कॉलम और उसका रो हटाना पड़ेगा तो उसको हम एम वन वन से डिनोट करते हैं ए वन वन के माइनर को और मैट्रिक्स यहाँ पे रो और कॉलम हटाने के बाद यहाँ चार एलिमेंट बच गए तो ये चार जो एलिमेंट बचते हैं उनका हमें डिटर्मिनेंट लेना है ओके okay. तो यहां पे वन जो है ए, ए ए वन वन है इसका रो और इसका ओके okay. फिर से हम थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स का माइनर निकाल रहे हैं ठीक है और माइनर निकालते वक्त मैंने क्या बोला कि हर एक एलिमेंट का माइनर निकालते वक्त उस एलिमेंट का रो कॉलम हटाना है जैसे वन का माइनर निकाल रहे अभी तो वन का रो पहला रो और पहला कॉलम हटा दिया तो यहाँ चार एलिमेंट बचेंगे तो वो चार एलिमेंट आपको ऐसे डिटरमिनेंट में लिखने हैं टू बाई टू डिटरमिनेंट में और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव माइनस एट सिक्स फोर्टी एट फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी एट वो आएगा माइनस थ्री ये है पहला वन का माइनर तो ऐसे माइनर लेते वक्त आपको टोटल नौ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़ेंगे वैसे सेकंड एलिमेंट अगर मैंने लिया माइनर ऑफ ए वन टू ए वन टू मतलब ये एलिमेंट यहाँ पे कौन सा आएगा टू टू का माइनर निकालते वक्त उसको हम डिनोट करेंगे एम वन टू से कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा आप ही बोलो अभी टू का कॉलम हटा दो और टू का रो हटा दो क्या आएगा डिटर्मिनेंट में फोर सिक्स सेवन नाइन फोर सिक्स नाइन, थर्टी सिक्स माइनस सिक्स सिक्स। जा फोर्टी टू, तो ये कितना आएगा माइनस ऐसे आपको हरेक एलिमेंट का माइनर निकालते जाना है माइनर ऑफ ए वन थ्री ए वन थ्री मतलब ये एलिमेंट तो इसका पहला रो और तीसरा कॉलम हटाओ उसको डिनोट करेंगे एम वन थ्री से एम वन थ्री निकालते वक्त तो ये जो थ्री है इसका हमें निकालना है माइनर तो उसका तीसरा कॉलम और पहला रो हटा दिया तो मुझे डिटर्मिनेंट में क्या मिलेगा देखो फोर फाइव सेवन एट फोर फाइव सेवन एट सो एट फोर जा थर्टी टू माइनस सेवन फाइव जा थर्टी फाइव ये आया माइनस थ्री ओके ऐसा समझ में आया ऐसे बाकी के एलिमेंट्स का भी माइनर निकालते जाओ ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री मतलब ये तीन एलिमेंट हो गए वैसे ही ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री के माइनर निकालो ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री के माइनर निकालो तो टोटल ऐसे नाइन माइनर्स मिल जाएंगे समझ में आया सबको माइनर कैसे फाइंड करना है तो टू बाई टू में डायरेक्ट आंसर मिल जाता है क्योंकि वहां पे रो कॉलम हटाने के बाद एक ही एलिमेंट बचता है लेकिन थ्री बाई थ्री में रो और कॉलम हटाने के बाद चार चार एलिमेंट बचते हैं इसीलिए उन चारों एलिमेंट्स का हमें डिटर्मिनेंट लेना रहता है जो कि टू बाई टू डिटर्मिनेंट आएगा और वो आप टेन स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कैसे सॉल्व करना है ठीक है सो दिस इज अबाउट माइनर वैसे ही अभी दूसरा डेफिनेशन हमें देखना है को फैक्टर अभी माइनर अगर आपको समझ में आया तो को फैक्टर निकालना भी बहुत आसान है को फैक्टर का डेफिनेशन देखो क्या दिया है को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनट इज गिवन बाय बाईजे मतलब माइनर है इज अ माइनर ऑफ एलिमेंट को यहाँ मल्टीप्लाई करना है किससे माइनस वन का पावर आई प्लस जे माइनस वन का पावर आई प्लस जे आई मतलब रो नंबर जे मतलब कॉलम नंबर इन दोनों का एडिशन करके माइनस वन का वो पावर लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है एम आई जे माइनर के साथ बस इतना एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ गया और को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज आई जे मतलब को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे अभी चलो एग्जांपल लेने से और क्लियर हो जाएगा फिर से टू बाई टू मैट्रिक्स लेंगे पहला एग्जांपल टू बाई टू मैट्रिक्स में आपको अगर को फैक्टर फाइंड करना है तो पहले आपको माइनर फाइंड करना पड़ेगा ओके okay. तो फिर से एग्जाम्पल टू बाई टू वाला वही लेंगे वन टू थ्री फोर सबसे पहला एलिमेंट जो है one, इसको हम बोलते हैं ए वन वन पहला रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट उसका वैल्यू कितना है वन इसका माइनर क्या आएगा एम वन वन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी यहां यम वन वन मतलब इसका रो कॉलम हटा दो तो वन का रो हटा दिया ए देखो ए हटा दिया वन का रो और वन का कॉलम तो क्या बचा फोर सो दे आंसर इज फोर ठीक है अभी इसका को फैक्टर हम डिनोट करते हैं ए वन वन से कैपिटल ए वन वन और वो क्या आता है पहले तो माइनस वन रेस टू माइनस वन का पावर इसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर आई प्लस जे माइनस वन का पावर आई प्लस जे आई मतलब इस एलिमेंट का रो नंबर है वन प्लस इस एलिमेंट का कॉलम नंबर भी है वन वन प्लस माइनस वन रेस टू वन प्लस वन मल्टीप्लाईड बाय एम वन वन और एम वन वन क्या है कितना दिया है देखो माइनस वन रेस टू आई प्लस दे इंटू एम आई जे एम आई जे मतलब उस एलिमेंट का माइनर ओके माइनस वन रेस टू टू आएगा और एम वन वन कितना है फोर वो हमने अभी अभी निकाला एम वन वन फोर माइनस वन का पावर आपको ये याद रहना चाहिए माइनस वन का पावर अगर इवन नंबर आता है तो हमेशा प्लस वन आएगा और माइनस वन का पावर ऑड नंबर आता है तो वो हमेशा माइनस वन आता है ये आपको पता है सबको जैसे माइनस वन का पावर अगर टू आया तो माइनस वन का पावर मल्टीप्लीकेशन दो बार लेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन वो आएगा प्लस वन वन इंटू फोर वो आ जाएगा फोर ठीक है बाद में अगला एलिमेंट है हमारा ये टू जिसका कॉलम नंबर रो नंबर कितना है रो नंबर वन है कॉलम नंबर टू है मतलब वन टू ए वन टू उसका वैल्यू है कितना टू एलिमेंट का वैल्यू अभी इसका माइनर निकालेंगे तो पहला रो दूसरा कॉलम हटा दो पहला रो दूसरा कॉलम हटा दिया तो आंसर आएगा थ्री और इसका ए कैपिटल ए वन टू मतलब को फैक्टर तो माइनस वन का पावर लेना पड़ेगा वन प्लस टू इंटू एम वन टू ओके माइनस वन का पावर अभी थ्री आएगा इंटू एम वन टू का वैल्यू है थ्री माइनस वन का पावर अगर ऑड नंबर आता है तो उसका आंसर माइनस वन ही आएगा देखो ऑड नंबर यहाँ पे जो माइनस वन का पावर थ्री है तो तीन बार मल्टीप्लीकेशन लेके देखो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन प्लस वन इंटू माइनस वन अगेन माइनस वन माइनस वन इंटू थ्री ये आ जाएगा निगेटिव थ्री नेक्स्ट बाद में ए टू वन ए टू वन मतलब एलिमेंट चाहे तो मैं ये सामने लिख कर देता हूं ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू तो यहां से आपको समझ में आ रहा है अभी ए टू ए टू वन मतलब दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट वो है थ्री और उसका माइनर निकालते वक्त एम टू वन तो यम टू वन का मतलब है कि दूसरा रो और पहला कॉलम हटा दो तो पहला कॉलम वन थ्री को हटाया दूसरा रो थ्री फोर को हटाया तो आंसर आएगा टू तो इसका को फैक्टर कैपिटल ए टू वन आएगा उसका माइनस वन का पावर ये दोनों का एडिशन टू प्लस वन फिर से आ, थ्री आ रहा है आ, और ये मल्टीप्लाइड बाय माइनर माइनर टू वन एम टू वन माइनस वन का पावर थ्री इन टू एम टू वन कितना है टू माइनस वन का पावर थ्री मतलब क्या आ जाएगा निगेटिव आपको ये याद रहना चाहिए अभी माइनस वन इन टू टू निगेटिव टू आएगा एंड लास्ट ए टू टू ए चौथा एलिमेंट है ये फोर ए टू टू उसका रो कॉलम हटा दिया तो दूसरा रो दूसरा कॉलम आएगा हटाया तो आंसर आएगा वन तो यम टू टू आएगा सॉरी ये ए टू टू एलिमेंट है फोर ए टू टू एलिमेंट फोर है और उसका माइनर है वन ये गलती हो गया तो इसका कॉलम और रो हटाया कौन सा कॉलम कौन सा रो हटाना है नंबर देख के पता चल जाता है दूसरा रो और दूसरा कॉलम हटा दो रिमूव करो तो आंसर वन आएगा अभी ए टू टू जो को फैक्टर है वो क्या आएगा माइनस वन रेस टू टू प्लस टू रो नंबर और कॉलम नंबर का एडिशन ये माइनस वन का पावर लेना है और यम टू टू मल्टीप्लाई करो इसके माइनर के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस वन का पावर फोर आ जाएगा और एम टू टा का वैल्यू है वन माइनस वन का पावर इवन नंबर है तो वो प्लस वन आएगा प्लस वन इन टू वन आंसर आएगा वन समझ में आया है सबको तो ऐसे हम टू बाय टू मैट्रिक्स के को फैक्टर फाइंड करते हैं को फैक्टर फाइंड करते वक्त को फैक्टर का फॉर्मूला क्या बोला है ए आई जे इज इक्वल टू का पावर मतलब एलिमेंट का माइनर रहेगा और आई मतलब रो का नंबर जे मतलब कॉलम का नंबर ये तो आपको पता ही है समझा तो ये फॉर्मूला को फैक्टर वाला हमने हर तरफ यूज किया और हर एक एलिमेंट का हमने फैक्टर भी फाइंड किया तो को फैक्टर करते वक्त माइनर फाइंड करना कंपलसरी है तभी को फैक्टर मिलेगा अभी एग्जांपल लेते हैं टू थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स का थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स फिर से कैपिटल ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ए थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स हमने ले लिया ओके okay. इसको आप चाहे तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ए वन वन ये आपके लिए बता रहा हूँ हर बार लिखना नहीं है ऐसा ए वन वन ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ये देख के ही समझ में आता है बेटा कि अगर वन वन लिखा मतलब वो एलिमेंट पहले रो और पहले कॉलम में है वन टू लिखा मतलब पहला रो दूसरा कॉलम वन थ्री लिखा मतलब पहला रो वाला और तीसरे कॉलम वाला एलिमेंट देख के ही पता चल जाता है वो तो सबसे पहले जब मैं ए वन वन लिखता हूं तो पहला रो पहला पहला रो मतलब आर वन आर टू आर थ्री सी वन सी टू सी थ्री वन वन पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है वन उसका माइनर एम वन वन आएगा एम वन वन निकालते वक्त इसका रो जो है और उसका कॉलम जो है उसको हटा दो उसको हटा दिया तो क्या बचेगा अभी चार एलिमेंट हो फाइव सिक्स एट नाइन डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है फाइव सिक्स एट नाइन तो आ जाएगा निकालते वक्त ए वन वन इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू वन प्लस वन एम वन वन माइनस वन का पावर टू आ जाएगा तो वो प्लस वन आ जाएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इन टू माइनर माइनर माइनस थ्री आया वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री ऐसा हुआ पहला को फैक्टर दूसरा को फैक्टर अभी आप ही निकालो ए वन टू एलिमेंट है टू उसका माइनर एम वन टू क्या आएगा पहला रो दूसरा कॉलम हटा दो तो फोर सिक्स सेवन नाइन आएगा डिटरमिनेंट में ए थर्टी सिक्स माइनस फोर्टी टू माइनस सिक्स आएगा और अभी इसका को फैक्टर आएगा कैपिटल ए वन टू वो आ जाएगा माइनस वन का पावर इन दोनों का एडिशन रो नंबर कॉलम नंबर वन प्लस टू इन टू वन टू उसके माइनर के साथ मल्टीप्लीकेशन ले लो माइनस वन का पावर टू प्लस वन थ्री है वन प्लस टू थ्री है थ्री ऑड रहता है ऑर्ड पावर रहेगा तो उसका आंसर माइनस वन आएगा इंटू एम वन टू का आंसर निगेटिव सिक्स है तो माइनस वन इंटू माइनस सिक्स प्लस सिक्स आएगा समझ में आ रहा है सबको हम वैसे ही एम वन वन एम वन टू तो पहले ही फाइंड कर चुके हैं अभी बस ये ए वन वन ए वन टू फाइंड कर रहे हैं और उसमें क्या चेंज हो रहा है खाली आपको चेक करना है कि माइनस वन का पावर इवन नंबर है कि नहीं माइनस वन का पावर अगर इवन नंबर जैसे टू होता है तो दो बार मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ेगा और उसका आंसर प्लस वन आएगा माइनस वन का पावर थ्री होता है तो ऑड नंबर तीन बार मल्टीप्लीकेशन अगर आपने लिया तो आपको पता है ये माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन प्लस वन इंटू माइनस वन माइनस वन तो ये याद ही रखो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया माइनस वन का पावर अगर है तो डायरेक्ट आंसर प्लस वन आएगा और माइनस वन का पावर ऑड नंबर है ओके तो माइनस वन आंसर आएगा वैसे ही आप अभी बाकी के को फैक्टर फाइंड कर, कर लो इसके बाकी के नाइन के नाइन को फैक्टर फाइंड कर लो इतना आपको समझ में आया होगा माइनर और को फैक्टर कैसे फाइंड करना है ओके okay. अभी अगर इतना समझ में आया तो अभी अगला पार्ट है हमारा एडजॉइन मैट्रिक्स एडजॉइन मैट्रिक्स कैसे लिखना है तो ये डेफिनेशन दिया है तीसरा एडजॉइंट मैट्रिक्स का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का समझो मैट्रिक्स कैपिटल ये मुझे दिया है स्क्वेयर मैट्रिक्स रहेगा ऑफकोर्स या तो टू बाई टू रहेगा या थ्री बाई थ्री रहेगा और उसका मुझे एड ज्वाइंट निकालना है एड ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है वो आपको बताता हूं ठीक है तो सबसे पहले सारे समझो ये थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है और ये कैपिटल ए मतलब को फैक्टर हमने फाइंड कर लिए तो सारे के सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर उत, उ, उ, उसके जगह पे लिखो ए वन वन ए वन टू कैपिटल ए वन थ्री कैपिटल ए इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स इसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स ये एडजॉइन मैट्रिक्स नहीं है मैं ये जोर से क्यों बोला क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी को एडजॉइन लेते हैं और उनका आंसर गलत आता है ये को फैक्टर मैट्रिक्स है मतलब हरेक जो नौ को फैक्टर हमने फाइंड किए वो नौ के नौ को फैक्टर हम यहाँ लिख लिए ए वन वन एन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री इसके बाद एक और स्टेप लेना है कौन सा स्टेप है वो एट ऑफ ए इज़ द ट्रांसपोज ऑफ अब मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 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 क्यों बार बार बता रहा हूं क्योंकि भूल जाते हैं ट्रांसपोज लेना है को फैक्टर का तो पहले सारे कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिख लेने का और उसका ट्रांसपोज ले लो ट्रांसपोज का मतलब क्या है जो रो में लिखे हैं, उनको कॉलम में लिखो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री इसको ऐसा हॉरिजेंटल लिखा है हार्डवेर एशे मध्य लिख ले, ले है। उनको वर्टिकल लिखो ऐसा तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा देखो कॉलम में लिख लिया इन पहले तीनों को ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री और एक कोफैक्टर फैक्टर तीनों जो हमने लिखे ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री इनको दूसरे कॉलम में लिखो दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाया और तीसरे रो को तीसरा कॉलम बनाया पहले रो को पहला कॉलम बनाया ऐसे आएगा एट ज्वाइंट ऑफ ए उसको हम ऐसे लिखते हैं एट जॉइंट ऑफ ए ए डी जे शॉर्टकट में ए डी डीजे एट जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू को फैक्टर का ट्रांसपोज को फैक्टर का ट्रांसपोज ओके ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ऐसे कॉलम में ए टू वन ए टू टू ए क्या है कैपिटल ए वाले को फैक्टर है याद रखो अभी हमने को फैक्टर फाइन किया उसका ट्रांसपोज ठीक है तो ये जो तीसरा डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरा एड मैट्रिक्स सॉरी एड मैट्रिक्स ए डी ओ आई एन टी एड मैट्रिक्स इट इज इट इज ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स को फैक्टर मैट्रिक्स तो को फैक्टर मैट्रिक्स हम कैसा लिखते हैं अभी अभी हमने आ, बताया आपको कि सारे को फैक्टर ऐसे मैट्रिक्स में लिख लो एन वन ए वन टू ए वन थ्री एन कैपिटल ए टू टू ए टू थ्री कैपिटल ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री और इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो एड मैट्रिक्स मिलेगा एड मैट्रिक्स लेते वक्त वो उसको आप लिख सकते हैं ए डी जे ए या तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं एट ज्वाइंट ऑफ ए ब्रैकेट में लिखा तो भी चलेगा एट जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज ले लो ट्रांसपोज क्या आएगा पहला रो कॉलम बन जाएगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री दूसरा कॉलम ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री कैपिटल 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 को फैक्टर है ये ठीक है तो ये हुआ हमारा एडजॉइन मैट्रिक्स अभी मैं बार-बार नहीं बताऊंगा अभी को फैक्टर मैट्रिक्स मतलब क्या ए जो हमने को फैक्टर फाइंड किए ए वन वन का वैल्यू हमें मिला माइनस थ्री ए वन टू का वैल्यू मिला हमें सिक्स बाद में आप ए वन थ्री का वैल्यू सारे नौ वैल्यू फाइंड करो और वो सारे इस को फैक्टर मैट्रिक्स में डालने है. और फिर उसके बाद एड उसका ट्रांसपोज लेके एडजॉइन मैट्रिक्स ऐसा लिखना है रो को कॉलम में लिखो तो ये जो मैट्रिक्स मिला ये रहता है हमारा एडजॉइन मैट्रिक्स और एक बार एडजॉइन मैट्रिक्स आपको मिल गया तो अभी चौथा डेफिनेशन है इनवर्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एट जॉइंट ऑफ ए इस फॉर्मूला का यूज करके अभी आपको इनवर्स मिल जाएगा मतलब अभी क्या बचा एक्स्ट्रा क्या आया अभी फिर से ये वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इससे हमें मल्टीप्लाई करना है एड ऑफ ए को ठीक है तो सबसे पहले आपको किसी भी मैट्रिक्स का एड निकालना है और उसके बाद डिटर्मिनेंट अच्छा पहले डिटर्मिनेंट निकालो क्योंकि डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो मिलता है तो वो डिटर्मिनेंट कैसा होगा वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ओके okay? सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता सिंगुलर मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो ए इनवर्स डनॉट एग्जिस्ट ओके मैं क्या बता रहा हूँ स्टेप्स बता रहा हूँ स्टेप्स तो पहला स्टेप नंबर वन है कि पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करो गिवन मैट्रिक्स का वो मैट्रिक्स टू बाई टू होगा या थ्री बाई थ्री होगा आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने आता है और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो वो कैसा मैट्रिक्स रहता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगल मैट्रिक्स के केस में आप लिख सकते हैं इनवर्स एग्जिस्ट इनवर्स एग्जिस्ट होगा और फिर इनवर्स फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर टू में आपको क्या फाइंड करना है एड ऑफ ए और एड ऑफ ए फाइंड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स uh, बताए सबसे पहले माइनर उसके बाद को फैक्टर और फिर स्टेप थ्री में फाइनल फॉर्मूला इनवर्स का वैल्यू ऐसा लिखना है वन डिटरमिनेंट ऑफ़ ये पहले स्टेप में जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला वो ऐसे अपॉन में लिखो वन ए मल्टीप्लाइड बाय ऑफ़ ए ठीक है तो इसके जो एग्जांपल्स है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री याद रखो आपको अगर समझ में आया तो स्ट्रेट अभी आ, अपना जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज टू का क्वेश्चन नंबर फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग बाय मेथड तो एडजॉइन आप फाइंड करो आप सेकंड और फोर्थ का एडजॉइन फाइंड कर लो मैं फर्स्ट और थर्ड का कल डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में ठीक है उसको पूरा एक लेक्चर लग जाएगा क्योंकि स्लोली स्लोली बता रहा हूँ मैं ओके अभी आज खाली मैंने थेरी पढ़ा लिया कि कैसे फाइंड करना है तो टोटल चार चीजें हमने देखे आज पहले पहला चीज देखा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडज मेथड फाइंड करते वक्त मुझे पहले माइनर फाइंड करना रहता है माइनर फाइन किसी भी एलिमेंट का माइनर हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और साथ साथ ये सफिक्स आता है वन 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 टू टू वन टू टू तो यम वन वन बोला तो उसका पहला रो पहला कॉलम हटा दो और वही आपका माइनर आएगा थ्री बाय थ्री में माइनर लेते वक्त डिटरमिनेंट आएगा उसको सॉल्व करना है जब हम यम वन टू बोलते हैं तो पहला रो दूसरा कॉलम हटा दो और जो बचे हुए चारों एलिमेंट है उसका डिटरमिनेंट निकालो वो आएगा आपका माइनर बाद में को फैक्टर लेते वक्त हमें एक्स्ट्रा माइनस वन का पावर आ, पावर आई प्लस जे आई मतलब रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इससे मल्टीप्लाई करना है माइनर को ओके माइनस वन रेस टू वन प्लस वन इन टू एम वन वन ऐसे तो हर बार मल्टीप्लाई करना है जब पावर इवन रहेगा तो वही माइनर जो है वही को फैक्टर आता है और जब पावर ऑड होता है तो जो माइनर रहता है उसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि पावर ऑड होगा तो निगेटिव साइन आएगा ये समझ में आया तो थ्री बाई थ्री में भी को फैक्टर ऐसे ही निकालना है माइनस वन का पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर मल्टीप्लाइड बाय माइनर और इसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स आप लिखेंगे और एडजॉइन मैट्रिक्स लेते हुए क्या लेना है ट्रांसपोज 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 ये बार बार इसीलिए बताया क्योंकि भूल जाते हैं ठीक है तो पहला रो पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम तीसरा रो तीसरा कॉलम ये आएगा एड ऑफ ए और एड ऑफ ए लाने के बाद चौथा स्टेप मतलब ये आ, आ, फाइनल जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटरमेंट ऑफ ए ऑफ ए मतलब जो एड मैट्रिक्स मिला उसको वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है या तो जैसे मैंने आपको बोला था डाउट सेशन में वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब है कि आप डिटर्मिनेंट ए से सारे एलिमेंट को डिवाइड कर दो अंदर मैट्रिक्स के अंदर तो ये तीन स्टेप फॉलो करो अभी इसका एग्जाम्पल हम कल डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच आप सॉल्व कर लो दो एग्जाम्पल और चेक करो पीछे आंसर करेक्ट आता है क्या वैसे हम कल डिस्कस करने वाले हैं थैंक यू बाय